हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वुडन प्लैंक से होम डेकोर आइटम बनाना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने 3 प्लाईवुड प्लैंक लिए हैं और उन पर मैंने व्हाइट एनिमल पेंट एज अ बेस कोट लगाया है। प्लैंक का साइज मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है। बेस कोट के पूरी तरह सूखने के बाद मैंने प्लैंक्स को अपनी पसंद के चौक एनिमल पेंट से कलर कर लिया है। यहाँ मैंने होममेड चौक एनिमल पेंट्स का यूज किया है। इसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे भी चेक कर लें। पेंट्स के पूरी तरह सूखने के बाद प्लैंक्स पर ब्लैक एक्रेलिक पेंट या ब्लैक परमानेंट मार्कर की हेल्प से अपनी पसंद का कोट लिख लें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह मैंने वीडियो के लास्ट में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड किए हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। मुझे प्लैंक का बैकग्राउंड थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने रेड एक्रिलिक पेंट से डॉट बना लिए हैं। मैंने इसके लिए पेंटिंग ब्रश का यूज किया है। आप चाहें तो डॉटिंग टूल का भी यूज कर सकते हैं। कलर्स की पूरी तरह सूखने के बाद हम अपने प्लैंक्स पर 2 या 3 कोट वार्निश लगा लेंगे। वार्निश के फर्स्ट कोट के पूरी तरह सूखने के बाद ही सेकंड कोट अप्लाई करें। मैंने यहाँ 1.5 मीटर के 2 कॉटन कॉर्ड्स ले लिए हैं और उन्हीं की हेल्प से मैंने प्लैंक्स को एक साथ टाई कर दिया है ताकि हम उसे इजिली कहीं भी हैंग कर सकें। आप चाहें तो अपने इस डेकोर को और भी सुंदर बनाने के लिए प्लैंक्स के बीच में बीड्स अटैच कर सकते हैं। आप इस डेकोर आइटम के साथ अपना होम एंट्रेंस, बालकनी, गार्डन एरिया आदि डेकोरेट कर सकते हैं। इन्हीं सेम मेथड्स को फॉलो करते हुए आप अपने घर के लिए नेम प्लेट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास प्लाईवुड प्लैंक ना हो तो आप MDF प्लैंक, वुडन स्लाइस, कैनवस बोर्ड, कार्डबोर्ड या फोम बोर्ड को एज अ बेस यूज करके सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कार्डबोर्ड या फोम बोर्ड यूज कर रहे हैं तो 2 या 3 कार्डबोर्ड को अपनी पसंद की साइज में काट कर स्टिक कर लें ताकि आपका बेस मजबूत हो। आप व्हाइट चौक एनिमल पेंट की जगह व्हाइट जेसो, व्हाइट एक्रेलिक पेंट, व्हाइट चौक एक्रेलिक पेंट या व्हाइट एनिमल पेंट को भी एज अ बेस कोट अप्लाई कर सकते हैं। अपने वुडन MDF या प्लाईवुड प्लैंक को दीमक से बचाने के लिए आप जैसो लगाने के पहले उस पर टर्मिनेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। पेंट्स के ड्राइंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप हीट गन या हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं।